मैं सच बताऊं कि मेरे को ऐसे लग नहीं रहा है कि मैं फर्स्ट पहली बार इस टीम से खेल रही हूँ। ऐसे लग रहा मैं 5-8 साल से इस टीम से खेल रही हूँ। जैसे हमारी कैप्टन है मैगलिंग, शिफाली है, उश्खादी है। पहले जब मैं यहाँ आई मेरे को ये लगा कि पता नहीं कैसे क्या होगा। जैसे वो हमारे साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करती है, वो सबसे बहुत अच्छा मेरे को लगा वो चीज़। मैंने जब क्रिकेट स्टार्ट किया था तब मैंने सोचा नहीं मैं यहाँ तक पहुँचूंगी, क्योंकि सबसे पहले क्या है कि मैं जो प्रैक्टिस करती खेतों में करती थी प्रैक्टिस, वो टेनिस बॉल के साथ बॉयज़ के साथ जाके खेलती थी। ये मेरे पापा का ड्रीम है कि आप आगे जाके क्रिकेट खेलें आप हमारे, क्योंकि मेरे पापा अनएजुकेटेड है। वो मेरे को हमेशा ये बोलते हैं कि बस मेरे को आप मेरे को रेस्पेक्ट चाहिए कि मेरे को भी लोग जाने। तो आप क्रिकेट खेलो किसी भी तरह, आप किसी लेवल तक पहुंचो कि कल मेरे को भी कोई बोले आपकी बेटी वहाँ पे है, उसको हमने टीवी पे देखा। पापा को आज हर जगह रेस्पेक्ट मिलती है, वो मेरे लिए एक फख्र की बात है कि अगर मेरे पापा मेरे साथ खड़े नहीं रहते तो मैं आज यहाँ नहीं होती। सब लोग जानते हैं कश्मीर के बारे में, बट जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस एरिया में मैं रहती हूँ साउथ कश्मीर, जो सबसे डेंजर एरिया माना जाता है साउथ कश्मीर शोपियन का, सालों साल कर्फ्यू रहता, गाड़ियां नहीं चलते, सब कुछ बंद रहता था, कहीं प्रैक्टिस नहीं मिल, कहीं ग्राउंड नहीं है वहाँ पे। हमारे एक बालकोनी थी, बालकोनी हमने मैट बिछा के रखा था, उसके नीचे मैंने एक बार वो मैट उठाया, उसके नीचे एक बल्ला, लकड़ी का बल्ला निकला। मैंने फिर पापा को बोला, पापा ये क्या चीज़ है? उन्होंने बोला ये कहाँ से निकाला? और पापा तो मैंने ढूंढ के निकाला तो उन्हें लकड़ी का बना के रखा था वो, तो पापा ने बोला नहीं अभी बड़ा है, जब बड़े हो जाओगे तो तब खेलना। तो मेरे कज़न ब्रदर थे छोटे छोटे, तो मैंने उनको बोला मेरे घर में एक बैट है, पापा को पता नहीं लगना चाहिए। तो हम ना रोज़ वो खेतों में जाके सुबह जल्दी उठ के 6 बजे उठेंगे नींद से, 7 बजे तक हम फिर वापस आएंगे, फिर सोएंगे ताकि पापा को पता ना चले कि वो क्रिकेट खेलेंगे। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई क्रिकेट की। 2005-06 में जब स्कूल नेशनल खेल के आए तो उसके बाद तीन चार लोग आए थे, वो मेरे को पता नहीं कौन थे, वो आए थे तो 2 थप्पड़ पड़े। मेरी छोटी बहन थी तब 3 साल की थी, उनको फीवर था तो मैं दवाई लेने के लिए गई थी उनके लिए। पापा ने बोला दौड़ के आना, वहाँ से भी दौड़ के आना। मैं दवाई पकड़ी, यहाँ से भी दौड़ के वहाँ से भी दौड़ी, पीछे से आवाज़ आई भागना मत गोली चलाएँगे। तो ऐसे मैं तो सुनी नहीं, मैं पापा ने बोला दौड़ के जाना भी आना भी, तो मैं सीधा घर पहुंच गई दौड़ के। तो फिर मैं ऐसे, पापा ने बोला क्या हो गया? मैंने बोला कुछ नहीं। तो 5 मिनट बाद 3-4 लोग आए अंदर, तो उन्होंने बोला जैसी कौन है? 1 मिनट के बाद मैं खुद ही उठी, मैंने बोला मैं हूँ। 1 थप्पड़ पड़े यहाँ से, ये दांत यहाँ से निकला और ये यहाँ से निकला। तो फिर AK-47 उन्हें यहाँ पर रखा माथे पे, बोला 36 के 36 घुसाट दूंगी इधर ही। तो उस टाइम मेरे पापा वहाँ पे थे, तो फिर मैंने पापा को बोला मुझे खेलना नहीं, जब ज़िंदगी नहीं रहेंगे तो फिर क्या खेलूँगी मैं। तो फिर मैंने ब्रेक ले लिया 3-4 साल, 2011 तक। फिर 2011 में एक सर आए थे मेरे घर, तो उन्होंने मेरे पापा को बोला आपने इसको क्यों रोका? तो फिर मैंने उनको बोला सर ऐसी ऐसी बात हुई, तो मुझे खेल उससे ज़्यादा तो जान ही प्यारी है, जब जान नहीं रहेंगे तो फिर फ़ायदा क्या है। उन्होंने सर ने ये बोला कि नहीं कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, मैं आपके साथ हूँ, कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं खुद जवाब दूंगा, जो भी आपको खर्चा लगेगा पैसा लगेगा मैं दे दूंगा, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने 2012 से फिर से स्टार्ट किया। तो मेरी मैसेज यही है कि सबको कि हिम्मत नहीं हारना, उतराव चढ़ाव आते ज़िंदगी में, एक बार हमें इसका फल मिलता है।